तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ वोलेटाइल मैटर यानी वीएम इन कोल को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोल के अंदर वोलेटाइल मैटर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे उसको डिटरमाइन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कोल के अंदर वोलेटाइल मैटर होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है। वीडियो बहुत ही छोटा होगा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, तो हमारे साथ बने रहिए पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कोल के अंदर वोलेटाइल मैटर क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है और इसको डिटरमाइन करने के लिए इसका प्रोसीजर क्या है, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि कोल को हम लोग दो टाइप से एनालिसिस करते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस यानी कि फिजिकल एनालिसिस, और दूसरा होता है अल्टीमेट जिसमें हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं। तो ये जो हमारा वीएम है वो क्या आता है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग पहले वीडियो में मॉइस्चर को फाइंड आउट किए। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हमारा मॉइस्चर फाइंड आउट करने को आता है, वीएम आता है, एफसी एंड एस, चार कंटेंट हम लोग इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग मॉइस्चर के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा कि कोल के अंदर से मॉइस्चर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको वोलेटाइल मैटर को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले यह जानना है कि वोलेटाइल मैटर होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वोलेटाइल को हिंदी में बोला जाता है उड़ने वाला मैटर, यानी कि ऐसा पदार्थ जो कि उड़ने वाला हो, यानी कि जैसे ही हम कोल को हीटअप करेंगे तो कोल के अंदर से उड़ जाता हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोल के अंदर मॉइस्चर भी अवेलेबल रहता है और कोल के अंदर कुछ गैसियस भी मौजूद रहता है। तो जैसे ही हम लोग इस टाइप के कोल को जब हीटअप करना स्टार्ट करेंगे तो जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि H2O बन के उड़ जाता है, और जो गैस है जैसे ही हीट के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा, कोल पार्टिकल को जैसे आप हीट करेंगे तो जो उसके अंदर गैस होगा वो भी रिलीज हो जाता है, यानी कि कोल पार्टिकल को छोड़ करके रिलीज हो जाता है। तो यहां पे जो हम लोग कोल को हीट प्रोवाइड करते हैं वो एब्सेंस ऑफ एयर देते हैं। अगर एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि वहां पे एयर नहीं रहेगा, अगर एयर रहेगा तो क्या होगा कि कोल के अंदर जो कार्बन पार्टिकल है उसके साथ रिएक्शन करके वो CO2 बना लेता है, ठीक है। तो यहां पे ये देखना है कि एब्सेंस ऑफ एयर हम लोग को हीट प्रोवाइड करना है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोल के अंदर वोलेटाइल मैटर के अंतर्गत कौन कौन से गैसीय सब्सटेंस आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोल के अंदर बहुत सारा गैस होता है, जैसे कि कोल के अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, कोल के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग कोल को हीट अप करेंगे, हाइयर टेम्परेचर में हीट करेंगे, तो यहां पे इसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, तो ये H2O फॉर्म करता है, और H2O क्या होता है, हमारा वेपर बन के निकल जाता है। तो देखिए, यहां पे कोल के अंदर जो मॉइस्चर है उसको हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे हैं, लेकिन H2 और O2 का केमिकल रिएक्शन हाइयर टेम्परेचर पे जो होगा वो आपको अज्यूम करना पड़ता है, यानी कि मॉइस्चर को छोड़ के आपका यहाँ पे अगर वाटर कंटेंट आ रहा है तो भी उसको हम लोग मानेंगे। तो हम लोग मॉइस्चर छोड़ दिए हैं, मॉइस्चर फ्री जो सैंपल है उसको हम लोग वीएम कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर यहाँ पे आ गया इसका केमिकल रिएक्शन की वजह से, और क्या होगा, तो मान लीजिए ये जो ऑक्सीजन है, इस कोल के अंदर कार्बन भी होगा तो कार्बन के साथ कुछ रिएक्शन करेगा तो ये CO बना देगा, कुछ अमाउंट में CO2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। और इस कोल के अंदर कुछ हमारा हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, जैसे कि हमारा CH4, मीथेन वगैरह हो गया, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब चीज क्या होता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन भी मौजूद होते हैं, कुछ सल्फर्स भी होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बना के उड़ जाते हैं केमिकली रिएक्शन के दौरान। तो ये सब जो है ना, ये क्या है, गैसियस सब्सटेंस है जिसको हम लोग वीएम बोलते हैं, यानी कि जैसे ही हम लोग कोल को हीटअप करेंगे तो कोल के अंदर से ये सब चीज क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और दोबारा से ये फिर से उस कोल के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इस वोलेटाइल मैटर को फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग अभी डिस्कस किए कि इसको हाइयर टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम लोग को हीट अप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वीएम के लिए कोल सैंपल आपको तैयार करना पड़ेगा। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि कैसे हमारा कोल का सैंपलिंग करेक्शन होता है, कैसे कोन एंड क्वार्टरिंग होता है, कोन एंड क्वार्टरिंग करने के बाद कैसे हम लोग
उस सैंपल को 212 माइक्रोन के सीव से हम लोग छान करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां तक आप समझ में आ गया होगा। इस कोल सैंपल के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मॉइस्चर फाइंड आउट करते हैं। तो मॉइस्चर के लिए हम लोग क्या किए थे, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या किए थे, यहां से जो पाउडर फॉर्म में कोल था उसका 5 ग्राम वेट ले लिए थे। 5 ग्राम कोल को हम लोग क्या किए थे, 110 डिग्री टेम्परेचर पे एयर ओवन के अंदर हीटअप किए थे, 1 घंटा के लिए छोड़ दिए थे। और 1 घंटा बाद जैसे हम लोग देख रहे थे तो उसमें लॉस ऑफ वेट बता रहा था कि उसके अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है। और उस सैंपल से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ले लेंगे 1 ग्राम सैंपल। किसके लिए, तो वॉलेटाइल मैटर के लिए, क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस किए कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर फ्री, जो भी कंटामिनेंट है, जो भी सबस्टेंस है वो उड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वीएम। तो हम लोग कौन सा सैंपल लेंगे, तो जो हम लोग मॉइस्चर फाइंड आउट कर लिए हैं उसी में से 1 ग्राम सैंपल ले लेंगे। और कोल के अंदर वॉलेटाइल मैटर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मॉइस्चर फ्री कोल सैंपल है उसमें से 1 ग्राम सैंपल हम लोग को चाहिए। और ये जो सैंपल है इसको हम लोग कहां रखते हैं, तो इसके लिए हम लोग को एक क्रूसिबल का जरूरत पड़ता है। तो इस क्रूसिबल के अंदर हम लोग इस कोल सैंपल को रखते हैं, और इसको पहले हम लोग तो वेट कर लेंगे कि क्रूसिबल का वेट कितना है। और क्रूसिबल के ऊपर एक हमारा ढक्कन रहता है, क्योंकि ये ढका हुआ रहेगा, अगर ढका हुआ नहीं रहेगा तो इसको ऑक्सीजन मिलेगा और इसके अंदर जो भी कार्बन है उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो जब भी हम लोग वीएम को कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो क्रूसिबल है वो ढका हुआ रहता है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोल को रख करके। तो इसको हाईर टेम्परेचर चाहिए जहां पे हम लोग करेंगे, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक फर्नेस होना चाहिए, ठीक है। इस फर्नेस के अंदर हम लोग टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग 910 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस हमारा 10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, यानी कि 900 से लेकर के 920 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग फर्नेस के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। उसके बाद इस क्रूसिबल को हम लोग इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है, जिसके चलते यहां पे एब्सेंस ऑफ एयर क्या हो रहा है, ये हीट हो रहा है। तो इसको हम लोग कितना देर के लिए छोड़ते हैं, तो ओनली 7 मिनट के लिए छोड़ते हैं। 7 मिनट जैसे ही ये जो पार्टिकल है ये क्या है, पूरा फाइंस है, 212 माइक्रोन है, पूरा फाइंस है। तो इस फाइंस के अंदर यानी कि इस कोर पार्टिकल के अंदर जो भी गैस होगा 7 मिनट के अंदर जब हाईर टेम्परेचर मिलेगा तो ये क्या होगा, यहां से ऐसे रिलीज होने लगेगा। और ऊपर से क्या है, हमारा ढका हुआ है, यानी कि कोल पार्टिकल को ये क्या कर देता है, छोड़ देता है। इस क्रूसिबल के अंदर जो भी गैस होगा ये क्या होगा, ऊपर चला जाता है, इस कोल पार्टिकल को छोड़ देता है। 7 मिनट बाद इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये जो हमारा मतलब क्रूसिबल इसके अंदर रखे हैं उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं फर्नेस से। जैसे ही इस क्रूसिबल को बाहर निकालते हैं तो इसको हम लोग ऐसे ही एटमोस्फियर में इसको ठंडा नहीं करते हैं, बल्कि इसको एक डेसिकेटर होता है वहां पे ले जाकर के इसको ठंडा कर देते हैं। तो 10 से 15 मिनट में ये पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। अगर आप ऐसे ही एटमोस्फियर में छोड़कर ठंडा करेंगे तो चांसेस होता है कि इस कोल के अंदर हमारा मॉइस्चर भी एंटर कर सकता है, एयर के अंदर है मॉइस्चर है तो वो भी एंटर करने का चांस है। इसीलिए इसको हम लोग डेसिकेटर में करते हैं, जो कि मॉइस्चर फ्री यहां पे कूलिंग होता है, यानी कि कूलिंग के दौरान कोई भी इस कोल पार्टिकल के अंदर मॉइस्चर नहीं होता है। तो जैसे ही हमारा ये ठंडा हो जाएगा क्रूसिबल, इसके बाद हम लोग इसका वेट कर लेते हैं, ठीक है। और पहले का जो वेट होगा और अभी जो मतलब हीट करने के बाद जो वेट होगा, उन दोनों का डिफरेंस यानी कि लॉस ऑफ वेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो लॉस ऑफ वेट किसकी वजह से होगा, तो इस कोल के अंदर जो भी गैस उड़ गया है, यानी ये सब जो गैस जो है ये उड़ गया है, फिर तो दोबारा इस कोल के अंदर नहीं एंटर करेगा। तो उड़ने की वजह से इस कोल का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ वेट ड्यू टू वीएम। ये सब चीज क्या है, वीएम। तो इसका वीएम परसेंटेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, कि इसका फॉर्मूला है कि एक्चुअल वेट यानी कि वेट ऑफ कोल सैंपल माइनस वेट ऑफ कोल आफ्टर हीटिंग, ठीक है, ये हीटिंग के बाद, और डिवाइड क्या कर देना है, वेट ऑफ कोल सैंपल, ठीक है। तो मान के चलिए कि इसका हमारा कोल सैंपल कितना था, 1 ग्राम है, और माइनस कर दिए जब हम लोग इसको आफ्टर हीटिंग जब वेट किए तो इसका वेट आ रहा है 0.8 ग्राम आ रहा है, ठीक है। तो 0.8 और डिवाइड क्या कर देना है 1 से, क्योंकि ये 1 है, वेट ऑफ कोल सैंपल 1, और देखिए इनटू 100 होता है, और इनटू क्या कर देना है 100, तो यहां पे कितना हो जाएगा, तो देखिए 0.2 डिवाइड 1 यानी इनटू इतना, तो ये कितना हो जाएगा 20% आपका वीएम आ जाएगा, यानी कि कोल के अंदर वीएम कितना है, तो 20% आपको वीएम है। देखिए इस कोल के अंदर जो वोलेटाइल मैटर है इसको फाइंड आउट करने का एक और भी तरीका है, उस तरीका से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे हम लोग कोल सैंपल के तौर पे क्या लिए थे, तो मॉइस्चर फ्री कोल सैंपल लिए थे। अगर आप मॉइस्चर फ्री कोल सैंपल नहीं ले रहे हैं, यानी कि जैसे ही हम लोग कोल को क्या किए,
मतलब पाउडर फॉर्म में करके उसको 212 माइक्रोन से सीव कर लिए तो वो हमारा सैंपल तैयार हो गया। उस सैंपल से ही हम लोग डायरेक्ट क्या किए, 1 ग्राम इस क्रूसिबल के अंदर रख दिए, यानी कि इसके अंदर हमारा वीएम भी है और इसके अंदर मॉइस्चर भी है। तो अब यहां पे जब हम लोग इस क्रूसिबल को फर्नेस के अंदर रखेंगे जहां पे टेम्परेचर इतना है और 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो ये जो वाटर है वो भी इवोपरेट होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जाहिर सी बात है वाटर तो इवोपरेट होगा ही। तो यहां पे जो लॉस होगा वो ऐसा नहीं 0.8 ग्राम ही होगा, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर लॉस है वो भी होगा। तो हो सकता है कि मान लीजिए यहां पे हम लोग को कितना मिल रहा है, 0.6 ग्राम हम लोग को लॉस मिल रहा है, क्योंकि यहां पे हमारा वीएम प्लस मॉइस्चर दोनों आ रहा है। तो इस टाइप के जो सैंपल अगर आप लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वीएम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, तो उसका भी हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ वीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर का यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा वेट ऑफ कोल सैंपल, तो वेट ऑफ कोल सैंपल कितना है 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम माइनस क्या करना है वेट ऑफ कोल आफ्टर हीटिंग, तो कितना है 0.6 है, और डिवाइड क्या करना है वेट ऑफ कोल सैंपल, तो वेट ऑफ कोल सैंपल कितना है इतना, और इनटू कर देना है 100, ठीक है, ये जस का तस फॉर्मूला हो गया, और इसमें केवल माइनस क्या कर देना है मॉइस्चर परसेंटेज, ठीक है। इस तरह से अगर आप कर देंगे तो आपका वीएम एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा, जैसे कि आप देख लीजिए यहां पे, तो यहां पे क्या है 0.4 / 1 यानी कि 40% हो गया, ठीक है, और माइनस क्या करना है मॉइस्चर परसेंटेज। तो मान लीजिए कि हमारा जो मॉइस्चर है वो कितना है 20% है, तो 40 - 20 तो आपका कितना आ जाएगा 20% आपका वीएम आ जाएगा। तो आप मॉइस्चर को निकाल करके भी यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं, या मॉइस्चर के साथ भी करेंगे तो आपको मॉइस्चर का परसेंटेज पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले मॉइस्चर फाइंड आउट कर लेते हैं, हम लोग को पता चल गया कि 20% मॉइस्चर है, फिर हम लोग उसी सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का सैंपल है ऑलरेडी जो मॉइस्चर फ्री नहीं है, उसी सैंपल से हम लोग क्या करते हैं वीएम कैलकुलेट कर लेते हैं, और इस फॉर्मूला में जो मॉइस्चर का परसेंटेज आया है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो इस तरह से हम को मिल जाता है। तो दो तरीका है, दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। एक तो आप पहले मॉइस्चर निकाल लीजिए, उसी सैंपल से आप क्या करेंगे वीएम भी निकाल सकते हैं, या जिस सैंपल से आप मॉइस्चर निकाल रहे हैं उसी सैंपल से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं वीएम भी निकाल सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा जो फॉर्मूला है उसमें चेंज आ जाता है। तो यह हुआ ऑल अबाउट वोलेटाइल मैटर के बारे में। उम्मीद करता हूं यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वोलेटाइल मैटर क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट है उसको लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग एफसी एंड एस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।